तुनिशा शर्मा की खुदकुशी मामले में लगातार नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अब हाल ही में दिवंगत अभिनेत्री तुनिशा शर्मा की मां ने एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है। दिवंगत अभिनेत्री तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा ने हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी बेटी के एक्स बॉयफ्रेंड सिजान खान पर बड़ा आरोप लगा दिया है। तुनिशा शर्मा की मां ने दावा किया है कि सिजान खान ड्रग्स का आदी था, वो ड्रग्स लिया करता था। हालांकि अदाकारा की मां ने यह साफ नहीं किया कि सिजान कब से ड्रग्स ले रहे हैं। इसके साथ ही तुनिशा शर्मा की मां ने सिजान खान पर कई लड़कियों से संबंध की बात दोहराई है। अदाकारा की मां के इस खुलासे के बाद इस केस में एक नया मोड़ सामने आया है। इधर मुंबई पुलिस ने साफ किया है कि वो तुनिशा शर्मा की मां के दावों के एंगल के साथ भी सिजान खान से पूछताछ करने वाली है। वहीं पुलिस ने तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा, उनके अंकल पवन शर्मा और ड्राइवर को भी पूछताछ के लिए समन किया है। पुलिस ने इन्हें अपने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। अब मुंबई पुलिस इस खुदकुशी केस की गहन जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि इधर सिजान खान पहले से ही अदाकारा को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप के चलते पुलिस के गिरफ्त में है। कोर्ट ने एक्टर को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक अभी तक सिजान खान उन्हें पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर सवालों के जवाब सिजान खान ने गोलमोल करके दिए हैं, जबकि पुलिस की कोशिश जल्दी से जल्दी मामले के तह तक पहुंचने की है। तुनिशा शर्मा की मां ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात के दौरान इस बात की भी खुलासा किया था कि सिजान खान से मिलने के बाद वो पूरी तरह से बदलने लगी थी। सिजान खान उन्हें उर्दू सिखाने लगे थे, जबकि वो हिजाब तक पहनने लगी थी। धीरे धीरे सिजान खान की वजह से तुनिशा शर्मा अपनी मां तक से दूर होने लगी थी। फिलहाल इस समय मामले की जांच पड़ताल चल रही है। तो दोस्तों, इस मामले पर आपका क्या कहना है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।